जावराम आज उस समय बोरा समाज में आक्रोश फैल गया जब बोरा बाखल चौराहे पर फखरुद्दीन कनवास वाला और उनके भाई पर कुछ लोगों ने प्राणघातक हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह बोरा समाज के पवित्र मास रमजान समाप्त होने के बाद आज ईद का दिन था, लेकिन इस ईद के दिन को असामाजिक तत्वों ने खराब करने की पूरी कोशिश की, जिससे संपूर्ण बोरा समाज में रोष व्याप्त है। सभी बोरा समाज के एक मत होकर इस घटना की कड़ी निंदा की और उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक बोरा समाज ईद नहीं मनाएगा। वहीं इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। 5 बजे नमाज पढ़ने जा रहा था, बीच में गाड़ी मेरे बोलता है भैया रुक जा, हम रुके नहीं, मैं रुका नहीं, फिर आता है बोले गाड़ी स्टैंड लगा है, गाली बकता है, बोलता है रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, आगे गया, मैं मस्जिद तक पहुँच गया, फिर उसने बड़ी रॉड से लेके मार दिया। कौन थे लोग, कब ने देखा? बिल्कुल देखा है, अल्फेद नाम का बंदा है, अल्फेद और बाकी पीछे 2-3 आदमी और थे, वो थे, गाड़ी डंडा फेंक के गए। उस दिन अल्लाह ने तो मुझे बचा लिया। अगले दिन आज सुबह ईद की नमाज के अंदर फिर चाकू, उस दिन तो चाकू भी लेके आया, वो तो बच गया मैं। आज सुबह हमारे दोनों चाचा जा रहे थे गाड़ी पे, बीच चौराहे में, बोरा बाखल के चौराहे में उन्होंने गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी का स्टैंड लगाया, गाड़ी खड़ी करी, डंडा निकाला और डंडे गर्दन पे मारा, गर्दन एक आदमी के तो मारा, उसके बाद दूसरे किसको लगी गर्दन पे? हमारे चाचा को ही है, नाम उनका? भाई कनवास वाला। क्या नाम उनका? हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या नाम उनका? बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, फखरुद्दीन कनवास वाला। अच्छा, वो रिपोर्ट कर दिया आपने? जी रिपोर्ट हो गई, बिल्कुल रिपोर्ट का 2 घंटे का हो गया। क्या क्या कहना है ईद के आरोपी को पकड़ने के बारे में? यार बोरा समाज ईद नहीं बनाएगा, जावरा बोरा समाज नहीं बनाएगा, जब तक वो आदमी नहीं मिलेगा। 2 घंटे में पकड़ने का नाम दिया है, 2 घंटे में वो पुलिस वाले पकड़ के लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो यही खड़े ही, कमिटमेंट दिया है, जो होगा वो देखेंगे।